एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के ताजे मौसम समाचार में। आपको बता दें मौसम को लेकर उत्तर प्रदेश से अभी एक फिर बड़ी खबर निकल कर आ रही कि यूपी के 40 से ज्यादा जिलों में आज फिर भारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों को बंद करने का आदेश, मौसम विभाग की चेतावनी। तो चलिए जानते कि वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें आज फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को अंत तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिले इन दिनों मूसलाधार बारिश की चपेट में हैं। भारी बारिश से प्रदेश के लोग बेहाल हैं। सड़कों पर जल जमाव के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज फिर प्रदेश के 40 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटों में राज्य में कुल 12.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि औसत अनुमान से 413% से अधिक है। चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं आज मौसम विभाग ने जिनमें भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के 40 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में राजधानी लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, शामली, फतेहपुर, औरैया, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, चित्रकूट, बस्ती, बाराबंकी, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, आपको बता दें गोंडा, अयोध्या, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, मऊ, आजमगढ़, संत कबीरनगर, देवरिया, बैराज और सीतापुर शामिल हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों के कलेक्टरों को एहतियात तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच चलिए जानते कि किन जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मौसम विभाग की चेतावनी है कि राज्य सरकार ने कुछ जिलों में आपको बता दें स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, बैराज, सीतापुर, बुलंदशहर, कानपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर और कासगंज में आज स्कूलों को बंद करने का आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। इसी बीच चलिए जानते हैं कि सबसे अधिक किन जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश बुलंदशहर में हुई है। यहां पर 111.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूसरे नंबर पर आपको बता दें एटा 97.3 मिलीमीटर और फिर अलीगढ़ आपको बता दें 68.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। इन तीन दिनों में लगातार भारी बारिश के कारण यूपी के 12 जिलों में 200 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। आपदा एवं राहत विभाग के मुताबिक प्रदेश की 2,23,000 से अधिक आबादी वाली आबादी भारी बारिश के कारण प्रभावित हुई है। आपको बता दें बीते दिनों से लगातार बारिश से जुड़े हादसों से कारण यूपी में आपको बता दें अब तक 24 लोगों ने जान गंवाई है। जगह जगह फंसे तकरीबन 6,700 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है। गंगा, शारदा, गोंड और घाघरा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी बीच आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली NCR में भी आपको बता दें पिछले दो दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज आपको बता दें देश के 17 राज्यों में फिर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया व पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव देश के कई राज्यों पर पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजेतरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।